हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 48वां पार्ट है। और इससे पहले कि हम प्रश्न लें, आप में से जो लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऑल का, आप उसको दबाएंगे तो ऑल का मतलब सारी वीडियो आपको पहुंच जाएगी सिस्टमेटिकली। और अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे इसके बावजूद भी आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है, ऐसा मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमें बार बार प्रश्न आता है, सर लिंक भेज दीजिए, सर लिंक भेज दीजिए। और हम 50 विद्यार्थियों को लिंक कैसे भेजते रहें, किसी को चाहिए 32वां नंबर का जीके, किसी को चाहिए 18वां नंबर का जीके, किसी को कुछ चाहिए। तो लिंक से बेहतर तरीका ये है कि एक बार आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को दबा दीजिए, सारी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल चलिए हम शुरू करते हैं। और प्रश्न लेते हैं, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, बताएंगे आप आंसर। पूछा हुआ सवाल है, पीसीएस में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, ग्रुप सी में भी आया ये प्रश्न। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, नीलम संजीव रेड्डी, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देखते हैं। अब राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं थोड़ा उनको हम देख लें एक नज़र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 2 कार्यकाल है। उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वी वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति कोविंद। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये प्रश्न भी आता है। क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे, किस राज्य से थे, बताइए। बिहार से। किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में ही हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। कितने राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हुई, 2 राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं उनके बारे में जानिए, यह भी प्रश्न आता है। तो वी वी गिरी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों रहे हैं, थोड़ा अकल लगाइए, क्योंकि जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई उनके कार्यकाल में, तो वी वी गिरी जब उपराष्ट्रपति थे तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य किए। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायमूर्ति हैं जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। और बी डी जत्ती, तो आपको 3 याद होना चाहिए,
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, वीडी जत्ती, तो ये तीन हैं। और एक प्रश्न आया था, प्रश्न हूबहू मैं पूछता हूँ क्योंकि कई बार प्रश्न जाहिर सी बात है बदल जाते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन बदलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? और उसमें ऑप्शन था, जो ऑप्शन सही है उसकी तरफ, आपको पता होगा विटामिन सी किसकी किस में होता है, तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, आम, आंवला, नींबू, आम, आंवला और नींबू, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। ये प्रश्न आया था और ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई भारी काम नहीं है। तो बहरहाल इससे संदर्भित और भी विटामिन्स को हम देख लें, तो विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत कौन है? जैसे पूछा विटामिन सी का स्रोत है आम, आंवला, नींबू। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, विटामिन ए तो बहुत सारी चीज़ों में है सर, तो जो मुख्य स्रोत है वो आपको याद होना चाहिए, कम से कम तीन चार तो आपको याद होना ही चाहिए। तो विटामिन ए का स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल। तो दूध, अंडा, पनीर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी वन का स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च और बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां विटामिन बी वन का स्रोत है। विटामिन बी टू का देखते हैं, विटामिन बी टू का स्रोत है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। विटामिन बी टू में है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। विटामिन बी थ्री, इसमें भी मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन बी फाइव, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन बी सिक्स, यकृत, मांस, अनाज। देखिए मांस, अंडा और दूध, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, मांस, अंडा और दूध ये कॉमन है, इसमें लगभग सारी चीज़ें मिलती है, तो ये कॉमन सेंस आप लगा लेंगे। विटामिन बी सेवन, मांस, अंडा, यकृत, दूध, देखिए आप यूनिवर्सली जो जिसमें सब आ रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। विटामिन बी ट्वेल्व, मांस, कलेजी, दूध। और नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है, किन फॉलिक एसिड का स्रोत कौन सा है? डॉक्टर फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां देते हैं, तो फॉलिक एसिड का स्रोत है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। और विटामिन सी का देखते हैं, विटामिन सी का स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज और बाकी आंवला, नींबू, आम, वो सब है, यानी हर खट्टी चीज विटामिन सी होती है उसमें। विटामिन डी, मछली कृत तेल यानी मछली का तेल, दूध, अंडा। विटामिन ई, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी बनता है, ये इंटेस्टाइन में, आंतों में भी बनता है। तो एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ कि सारे विटामिन्स में कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर आप छोड़ दें तो, वो है मांस, अंडा, दूध करीब करीब, और दूध करीब करीब, दूध में सारे स्रोत हैं और हरी सब्जियों में भी।
तो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देख करके और उसका आप आंसर करेंगे, आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे। तो बहरहाल अब आती है बारी 3 प्रश्नों की। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप जैसा कि जानते हैं कमेंट बॉक्स में करना है, और आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों की एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है इस मामले में। तो चलिए मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, और दूसरा प्रश्न, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के नाम बताएं, और तीसरा प्रश्न, उन राष्ट्रपति के नाम बताएं जो जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई। तो पहला प्रश्न था निर्विरोध होने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के नाम। और तीसरा प्रश्न, कार्यकाल में जिनकी मृत्यु हुई वो राष्ट्रपति कौन थे। थैंक यू।